हेलो दोस्तों, मैं हूं कुणाल और आप सभी सुन रहे हैं कुणाल की हॉरर स्टोरी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूं गांव की डरावनी कहानी, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको यह कहानी बहुत पसंद आएगी। तो इस कहानी को शुरू करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें। तो आइए, ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानी को। ये कहानी एक सच्ची कहानी है जिसे मेरे दोस्त ने सुनाई थी। उसके घर के सामने वाले मकान में एक हादसा हो गया था। इसी हादसे की पूरी कहानी उसने मुझे बयां की है, जो मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूं। उसने बताया था कि मेरे घर के सामने एक परिवार रहता था, जिसमें पति पत्नी और उनके दो बच्चे रहते थे। वो सभी बड़े ही खुश रहा करते थे, लेकिन अचानक से पता नहीं उनको किसकी नजर लग गई, जिसकी वजह से सब कुछ तहस नहस हो गया। एक बार की बात है, वो फैमिली एक आईना खरीद कर अपने घर ले आए। पता नहीं उस आईने में ऐसा क्या था, जो कोई भी उस आईने को देखता था वो उस आईने में खींचा चला आता था। उस फैमिली में पति का नाम राज, पत्नी का नाम रानी और उनके बच्चे का नाम राहुल और दूसरे बच्चे का नाम पिंकी था। उस घर में एक काम वाली रोज काम करने के लिए आती थी। एक दिन की बात है, बच्चे स्कूल गए हुए थे और पति अपने ड्यूटी पर गया हुआ था। उसी दिन काम वाली भी काम करने के लिए आ गई। जिस वक्त काम वाली आई थी, उस वक्त रानी नहाने के लिए बाथरूम में गई हुई थी। वो आईना सबसे ऊपर के कमरे में रखा हुआ था। जैसे ही काम वाली ने ऊपर वाले कमरे में प्रवेश किया, तो उसने एक आवाज सुनी। वो आवाज उस आईने में से आ रही थी। वो आवाज ऐसी थी जैसे मानो कोई गेट के बाहर खड़ा होकर गेट खटखटा रहा हो। तो जैसे ही काम वाली उस आईने के पास पहुंचती है, उसे उस आईने में अपना ही अक्स नजर आता है। वो थोड़ी देर अपने अक्स को देखती है, लेकिन उसे उस अक्स में थोड़ा बहुत अंतर नजर आता है, जिसे देखकर वो बहुत हैरान हो जाती है। वो आईने के सामने एकदम नॉर्मल होकर खड़ी होती है, लेकिन आईने के अंदर आने वाला अक्स बहुत ही डरावना दिखाई देता है, जिसे देखकर वो थोड़ा सा हैरान हो जाती है। इतने में ही उसकी मालकिन नहाकर बाहर निकल आती है और अपनी नौकरानी को आवाज लगाती है, लेकिन उसकी नौकरानी उस अक्स को देखते ही ऐसे खो जाती है जैसे मानो उस आईने ने उसे पकड़ लिया हो। थोड़ी देर बाद अपनी मालकिन की आवाज को जब नौकरानी सुनती है, तो तुरंत ही अपने होश में आ जाती है और जल्दी से भागती हुई नीचे मकान मालकिन के पास आती है। यहाँ तक सब कुछ नॉर्मल रहता है। उसी दिन शाम को बच्चे भी आ जाते हैं और पति भी आ जाता है। शाम को जब दोबारा से नौकरानी काम करने आती है, उसे उस आईने में से फिर वही आवाज सुनाई पड़ती है, लेकिन इस बार वो बहुत डर जाती है और ऊपर नहीं जाती। वो अपनी मकान मालकिन को बताना चाहती है कि इस आईने में कुछ तो गड़बड़ है, परंतु सबके सामने बता नहीं पाती, इसलिए अपने आप ही दोबारा से यह निश्चय करके उस आईने के सामने चली जाती है। लेकिन इस बार जैसे ही वे आईने के सामने खड़ी होती है, आईने वाला अक्स एक चाकू उठाता है और अपने गर्दन पर चलाने लगता है। इधर असली वाली नौकरानी भी बिल्कुल वैसा ही करती है
जैसा आईने के अंदर वाली अक्स करती है और वो चाकू अपनी गर्दन पर चलाने लगती है, जिससे वहीं के वहीं उसकी मौत हो जाती है। इस तरह से किसी को पता नहीं चलता कि उसकी मौत किस तरह से हुई है। सभी को यही लगता है कि उसने आत्महत्या करी है। परिवार के सभी सदस्य बहुत दुखित होते हैं। इसके कुछ दिन बीत जाने के बाद पिंकी उस आईने के सामने जाकर खेलने लगती है कि अचानक से पिंकी का अक्स उसे देखकर गायब हो जाता है। पिंकी को यह बात समझ में नहीं आती और वो बहुत ही भयभीत हो जाती है। इस पर तुरंत पिंकी भागती हुई अपनी मम्मी के पास जाती है और अपनी मम्मी को बताती है कि आईने में मेरी छवि अचानक से गायब हो गई है। मम्मी उसकी बातों पर यकीन नहीं करती है। उन्हें लगता है शायद ये कोई मजाक कर रही है। उसकी बातों को सुनकर मम्मी उसके साथ उस आईने के सामने आती है, परंतु वहां ऐसा कुछ भी नहीं होता है। एक रात सभी लोग सो रहे होते हैं, तभी पिंकी का भाई राहुल को अचानक से दरवाजे के खटखटाने की आवाज आती है। पहले तो वो समझता है कि बाहर दरवाजे पर कोई खड़ा है, इसलिए वो दरवाजे की तरफ जाता है और दरवाजा खोलकर देखता है तो बाहर कोई भी नहीं दिखाई देता है। लेकिन तभी अचानक से आवाज फिर से आने लगती है। इस बार उसे आवाज ऊपर वाले कमरे से आती हुई सुनाई पड़ती है और तभी वो उस कमरे में जाता है। पहले तो वो चारों तरफ देखता है कि इस कमरे के अंदर कोई बैठा तो नहीं है। फिर उसे एहसास होता है कि यहाँ पर तो कोई है ही नहीं, फिर आवाज कहाँ से आ रही है। वो अपना भ्रम समझकर नीचे जाने ही वाला था कि आवाज फिर से आने लगती है और जैसे ही पीछे पलटकर देखता है तो उसे मालूम पड़ता है कि वो आवाज उस आईने में से आ रही है। और जैसे ही वो आईने के सामने जाता है कि तभी आईने में से दो हाथ बाहर निकलते हैं और राहुल के गर्दन की तरफ आगे बढ़ते हैं। इतने में ही राहुल की आंखें खुल जाती है और मम्मी मम्मी चिल्लाता हुआ जग जाता है। दोस्तों, यह सब उसका सपना था और ये सब उसने अपने सपने में देख रहा था। उसको इस तरह जागता हुआ देखकर राहुल के मम्मी पापा भी जाग जाते हैं और पूछते हैं कि बेटा क्या हो गया। राहुल पसीने से लथपथ और डरा हुआ अपने बेड पर बैठा हुआ था। इसी दौरान वो सारी घटना अपनी मम्मी पापा को बताता है। वो दोनों इसका एक सपना समझकर ज्यादा विश्वास नहीं करते हैं और उसे सो जाने के लिए कहते हैं। अगली सुबह उसके मम्मी पापा उस आईने के सामने जाकर देखते हैं और सोचते हैं कि हमारे बच्चे आईने के सामने जाने से क्यों डर रहे हैं। परंतु उन लोगों के साथ कुछ भी गलत नहीं होता है। वो उसे एक नॉर्मल आईना समझकर वहां से चले जाते हैं। अगली रात राहुल के पिता देखते हैं कि कमरे की खिड़की के बाहर कोई झांक कर देख रहा है। वो दरवाजा खोलकर बाहर जाते हैं तो उन्हें वहां कोई नजर नहीं आता। वो जैसे ही कमरे के अंदर आते हैं तो वो परछाई उस आईने वाले कमरे की तरफ जाती हुई दिखाई देती है और थोड़ी देर के बाद उन्हें भी वही खटखटाहट की आवाज सुनाई पड़ती है। उनको पता चल जाता है कि ये आवाज ऊपर से आ रही है। वो दौड़ते हुए ऊपर जाते हैं, तभी अचानक से उस आईने में वहां पर राहुल के पिता का अक्स दिखाई देने लगता है और देखते ही देखते वो अक्स गायब हो जाता है। लेकिन इतने में ही आईना चटक जाता है और उसका एक टुकड़ा नीचे गिर जाता है। फिर अचानक से राहुल के पापा का अक्स दोबारा से उस आईने में आ जाता है।
और उस टूटे हुए टुकड़े से वो अपने शरीर पर घाव करने लगता है। जैसा जैसा अक्स करता है वैसे ही वैसे राहुल के पापा करते जाते हैं और राहुल के पापा के शरीर पर काफी सारे घाव लग जाते हैं। इतने में ही रानी वहां पर आ जाती है और वो अपने पति को उस कमरे से बाहर खींचकर ले जाती है। अब रानी को समझ में आ गया था कि मेरे बच्चे ने जो कुछ बताया था वो सब सच था और इस आईने में जरूर कोई रूहानी ताकत थी। इतना ही नहीं, उस आईने के आने से उस घर में बहुत बड़ी अनहोनी होने वाली थी। उस फैमिली को कभी कभी सपने में कोई आत्मा दिखाई देती थी जो उनको घूरती हुई नजर आती थी। इसके अलावा उस मकान की दीवारों पर दरारें आने लगी थी और एक काली बिल्ली रोज उन्हें उस कमरे में जाती हुई नजर आती है। कभी घर की लाइट ऑन ऑफ हुआ करती थी, कभी टीवी अपने आप चालू हो जाया करती थी और ऐसा लगता था जैसे उस घर में कोई और बैठा हुआ है जो इन सब को देख रहा है। इतना सब कुछ होते रहने के बाद उस फैमिली को समझ में आ गया कि यह सब कुछ इस आईना की वजह से ही हो रहा है। दोस्तों, यह परिवार उस घर को छोड़कर और उस आईने को भी छोड़कर चला जाता है। यह घर आज भी वीरान पड़ा हुआ है और खंडहर बन गया और इसमें रखा हुआ आईना अभी भी वहीं पर रखा हुआ है। कहा जाता है कि इस आईने में कोई रूहानी ताकत थी जो बाहर आने की कोशिश कर रही थी और जो कोई भी इस आईने के सामने जाता है उसे वो अपने अंदर खींचने की कोशिश करती है। राहुल के पिता तथा यह पूरा परिवार किसी तरह से इस रूहानी ताकत से बच गया वरना बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता। अब ये पूरी फैमिली कहीं दूसरी जगह पर रहती है। तो दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं इसी के साथ एक और खौफनाक कहानियों के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।